वर्चुअल ट्राई, काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड हैं जो ऑनलाइन में कस्टमर को फिजिकल का एक्सपीरियंस करवा रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं लेंसकार्ट का, जब भी आप उनके वेबसाइट पर जाते हो और फ्रेम्स देखते हो, आप वहां पर अपना फेस स्कैन कर सकते हो, उसके बाद देख सकते हो कौन सी फ्रेम आपके फेस पर ज़्यादा अच्छी लगेगी। लिपस्टिक के सेड हमेशा वुमेन अपने हाथ के पीछे लगाकर चेक करती है और देखती है कौन सा सेड ज़्यादा उनके स्किन पर अच्छा लगेगा। पर इसीलिए शुगर भी ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहा है अपने फिजिकल स्टोर के लिए, क्योंकि जब ज़्यादा 8 से 9 लिपस्टिक गर्ल्स लगा लेती है उसके बाद उसे रिमूव करना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, जिसकी वजह से अगर वो AR और VR अगर वहाँ पर यूज़ करते हैं तो काफ़ी ईजी हो जाएगा वुमेन्स को कन्विंस करना और वहाँ पर उन्हें एक्सपेरिमेंट करवाना। 4 ऐसे एडवांटेज जो कि वर्चुअल ट्राई से ब्रांड्स को मिलेंगे। नंबर 1, अगर ज़्यादा SKU है तो आप सारे SKU अपने कस्टमर्स को ट्राई करवा सकते हो। बट टू रीमार्केटिंग, जैसे कि लेंसकार्ट करता है, जैसे ही आप अपना फेस स्कैन करते हो वो वही फेस यूज करके आपको इंस्टाग्राम पर एडवर्टीजमेंट भी दिखाता है। नंबर 3, आपकी सेल को भी वो और ज़्यादा इंक्रीज कर देगा, क्योंकि जब ज़्यादा ऑप्शन कस्टमर खुद ट्राई कर पाएगा तो डिसीजन लेना कस्टमर्स के लिए बहुत इजी हो जाता है। नंबर 4, कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि जब भी कस्टमर को अगर ऑनलाइन में फिजिकल का एक्सपीरियंस मिल रहा है तो वो स्टोर पर जाने की उसे ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके बाद ब्रांड्स को भी फिजिकल स्टोर खोलने की ज़रूरत नहीं है। और डिटेल्स के लिए रीड द कैप्शन।